ये लाचार व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी पार्टी का विधायक है। हम लाचार इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति की कहीं पर कोई सुनवाई ही नहीं है। बेटे की मौत हो गई है और उसके मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विधायक एफआईआर तक दर्ज नहीं करा सकते हैं। बीजेपी विधायक का ये आरोप है, शासन और प्रशासन कोई नहीं सुनता, मुख्यमंत्री भी नहीं सुनते। मामला है हरदोई के संडीला से बीजेपी विधायक राजकुमार अग्रवाल का। बीजेपी विधायक का आरोप है कि कोरोना संक्रमण काल में उनके बेटे की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई और भ्रष्टाचार की वजह से हुई, मगर ना तो थाना एफआईआर लिखने को तैयार, ना तो सुनवाई पुलिस कमिश्नर ही कर रहे हैं। डीजीपी भी सुनते नहीं है, पल्ला झाड़ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी भी नहीं सुनते हैं, तो अब विधायक जनाब करे तो क्या करे, जब खुद के सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के राम राज्य की क्या स्थिति है। विधायक के बेटे की 26 अप्रैल को काकोरी के अथर्व अस्पताल में मौत हो गई। विधायक का कहना है कि बेटे के अस्पताल में मौत लापरवाही की वजह से हुई। बीजेपी विधायक राजकुमार अग्रवाल के 30 साल के बेटे आशीष को कोरोना हुआ था। 22 अप्रैल को उसे लखनऊ के काकोरी के अथर्व अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 26 अप्रैल को सुबह बेटे का ऑक्सीजन 94 लेवल था, वो खाना खा रहा था और सबसे बातचीत कर रहा था। शाम को अचानक डॉक्टरों ने बताया कि उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा है। इस पर उनके दो अन्य बेटे बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ गए तो डॉक्टरों ने कहा कि ऑक्सीजन मरीज तक नहीं जा सकती है। विधायक का कहना है कि काफी सिफारिश के बाद भी ऑक्सीजन नहीं ली गई, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लेने से मना कर दिया और थोड़ी ही देर में बेटे आशीष की मौत हो गई। विधायक राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही से बेटे की जान चली गई, किसी और के साथ ऐसा आगे ना हो इसलिए अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए काकोरी थाने में तहरीर दी। मेरे बेटे आशीष कुमार अग्रवाल की 26/4 को मौत हो गई थी, इसमें डॉक्टरों की और अस्पताल की लापरवाही के कारण मौत हुई और मैंने उसी दिन उसकी सूचना संबंधित थाने को काकोरी को दिया और उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। मौत का कारण अस्पताल में ताला लगना, ऑक्सीजन न पहुंचना, मेरी ऑक्सीजन लेना नहीं, डॉक्टरों की मारपीट। उस दिन उसी अस्पताल में 7 मौतें हुई और मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, डीएम, कमिश्नर, डीजीपी सबसे कर दी, फोन से बात की, तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्या मांग है आपकी? अब मेरी मांग है उसके रिकॉर्डिंग सारी देखी जाए, फोटो, और उसमें उसकी जांच की जाए, दोषी जो डॉक्टर हों या अस्पताल हों उनको दंड दिया जाए। लेकिन पुलिस ने सीएमओ की जांच के बिना रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी 26 अप्रैल को दी गई तहरीर अभी तक केस में तब्दील नहीं हो पाई। इस बीच डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सबसे बात हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करने को तैयार। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रदेश में सत्ताधारी विधायक तक अगर अपने बेटे की मौत पर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते तो प्रदेश के बाकी लोगों का कोरोना के इस बुरे काल में क्या हाल हुआ होगा, किसकी सुनवाई हुई होगी, कौन से आंकड़े दर्ज हुए होंगे, किस अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई होगी, जरा अंदाजा लगाइए कि दहशत का माहौल लोगों के मन में किस हद तक बैठ चुका है, जिसमें खुद बीजेपी के विधायक भी हैं जिनकी हालत बुरी है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।